डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस की कुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत की फाइल खुलेगी। आपको बता दें कि एक बार फिर से इस पूरे केस में बड़ा अपडेट सामने आया था, जिसमें ये कयास लगाया गया था कि सुशांत सिंह ने खुद अपनी जान नहीं ली है, बल्कि सुशांत सिंह की जान ली गई है। इसके बाद फैंस को ये उम्मीद थी कि एक बार फिर से इस पूरे केस की तहकीकात की जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पूरे केस में SIT जांच की मांग उठाई थी और कहा था कि जल्द ही इस पूरे केस के लिए SIT का गठन होगा और एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत की फाइल खुलेगी और SIT इसकी छानबीन करेगी। मगर एक लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद भी अब तक इस पूरे केस में ना ही SIT का गठन किया गया है और ना ही इस केस की फाइल दोबारा से खोली गई है। अब ऐसे में फैंस ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब महाराष्ट्र सरकार ने इसका ऐलान कर दिया था तो अब सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने में देरी क्यों की जा रही है। वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती का भी अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी बयान या फिर रिएक्शन सामने नहीं आया है। ऐसे में क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती? ये भी फैंस काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार क्या इसे केवल वोट लेने के लिए ही सुशांत सिंह के नाम का इस्तेमाल कर रही थी या फिर वो सच में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना चाहती है।